नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम गुरु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उन इंतजार शिक्षक भर्ती के संदर्भ में शाम के समय की हम आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं, जो कि आरक्षण से संबंधित है कि उन इंतजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण मुद्दे पर सरकार पर बहुत बड़े गंभीर आरोप। लगभग 18,000 छात्रों को झटका, NCBC और चयन सूची में होगा बदलाव, डॉक्यूमेंट्स वापस क्यों सरकार, और 7 जुलाई सुनवाई, मामला निस्तारण पर गुहार लगाएंगे छात्र सरकार से। दोस्तों, इन सभी न्यूज की डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, आप सभी को पता चले कि मामला है क्या, कि जैसा कि आप सबको पता है कि जिस दिन 9,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची लिस्ट निकली थी तो उसमें ST OBC का कोई भी उनमें कॉलम नहीं था, और इसी को ध्यान रखते हुए कि जब सभी ने देखा कि जनरल की और OBC की जो कट ऑफ गई थी उसमें लगभग 0.4 का अंतर ही देखने को मिला था, किंतु जब बाद में लिस्ट का एनालाइज मतलब लिस्ट की जांच पड़ताल की गई तो उसमें लगभग ऐसे 18,000 छात्र ऐसे थे कि OBC के 18,000 छात्र ऐसे थे जिनमें उनका हनन हो रहा था, लगभग 53,000 के समथिंग जनरल वालों को इसमें देखने के लिए मिले हैं, कि लगभग जिनका जनरल गुणांक मतलब 53 नंबर तक है, सीरियल नंबर है, वहां तक जनरल वाले इसमें देखने के लिए मिले हैं। तो उसी को ध्यान रखते हुए NCBC ने यह मुद्दा उठाया है और जिसकी सुनवाई 7 तारीख को होने वाली है। और दोस्तों, आप सभी को बता चलें कि इसमें और क्या है, कि आप सबको बता चलें कि दिन प्रतिदिन आप देख पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स वापस को लेकर 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने भी विज्ञप्ति निकाल दी गई है, जिसमें अमेठी है, आपका हाथरस है, और आपका लखीमपुर खीरी है, इन और प्रतापगढ़ है। इन 4 डिस्ट्रिक्ट ने अपनी एक लिस्ट निकाली जिसमें डॉक्यूमेंट्स को वापस भी कर रहे हैं। आप सभी को दिखा दें कि 9,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में OBC ST पर सरकार की बहुत बड़ी साजिश, सत्ता में बैठे OBC नेताओं की बोलती बंद कि गुलामी कब तक। दोस्तों, ये जो OBC के नेता जो कि मंत्रिमंडल है वे भी इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उन्होंने लगभग OBC की 18,000 सीटों का इसमें नुकसान इस भर्ती में देखने के लिए मिला है, और जिसकी सुनवाई 7 जुलाई को इसके होने जा रही है, और कहीं ना कहीं चयन सूची में बदलाव होने की पूरी संभावना है और उम्मीद की जा रही है, जो कि बॉर्डर लाइन वाले जनरल में बॉर्डर लाइन वाले व्यक्ति हैं जो कि 67 और 68 वाले हैं, कहीं ना कहीं इस भर्ती से बाहर होते अवश्य इसमें दिखाई देंगे। कि 9,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर छिड़ी नहीं बहस, अभ्यर्थियों ने असंतोष, जाने मामला पूरा क्या है, कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने असंतोष जताते हुए सरकार पर आरक्षण का नियम का पालन न करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग के मेरिटेरियम रिजर्व कैंडिडेट MRC का मामला भी गर्मा गया है। और वहीं बता चलें कि मामला और है क्या, कि यूपी में 9,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार ने कई तौर पर आरक्षण नियम का उल्लंघन करने पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने दखल से भर्ती प्रक्रिया में नहीं बहस, जिसमें MRC का मामला गंभीर हो चुका है, और आरोपी सरकार की तरफ से 9,000 शिक्षक भर्ती पदों से 52,614 रैंक तक जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसके बाद पदों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सीटें दी गई हैं। साथ भी यह सवाल उठने लगे हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की ओर से सरकार की ओर से 50% पर की जगह 23.75% आरक्षण ही लागू किया गया। और बता चलें कि पूरे मामलों को लेकर 7 जुलाई को पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई है। ऐसे में News 18 ने पूरे मामले में बढ़ रही बहस को लेकर जानकारों से बात करके असल आपत्तियों पर चर्चा की है, कि आरक्षण के नियमों को समझना जरूरी है, कि जानकारों को कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 जज की बेंच ने इंदर सहानी केस में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है कि जो आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के बराबर या अधिक अंक लाता है उसका चयन आरक्षण के तहत नहीं माना जाएगा, या कहेंगे कि रिजर्वेशन कम्युनल रिजर्वेशन नहीं, जैसे कि सरकारी भर्ती में 50% आरक्षण देना है, वो भर्ती में कुल पदों की संख्या 200 है, अब इस भर्ती में सरकार द्वारा 100 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है, तो यह माना जाएगा कि सरकार 50% आरक्षण दे दिया है। तो जवाब यह है कि इसके आरक्षण नियमों के तहत भर्ती नहीं की गई है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि OBC ST कम्युनिटी की सीट को आरक्षण देना नहीं कहलाएगा, आरक्षण देना तभी होगा जब OBC ST और ST
कि अभ्यर्थियों को सीट देने से जिनका कट ऑफ जनरल के कट ऑफ से कम है, अगर आप उन ओबीसी एससी और एसटी कम्युनिटी के सीट के अभ्यर्थियों को सीट देते हैं तो उनके नंबर जनरल कट ऑफ से अधिक हैं तो वह चयन जनरल अभ्यर्थी के चयन माना जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन कम्युनिटी रिजर्वेशन नहीं है। ऐसा सरकार को 50% रिजर्वेशन देना तभी होगा जब एससी ओबीसी और एसटी कम्युनिटी के 100 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन करें जिनके मार्क्स जनरल कट ऑफ से कम हैं। दोस्तों ये है रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि इस भर्ती में ऐसा नहीं हुआ है। अब दोस्तों देखना होगा कि 7 जुलाई को जो इसकी सुनवाई होनी है इसमें क्या होना है, ये 7 जुलाई की जो सुनवाई है उस पर डिपेंड करेगा। दोस्तों जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। आप सभी का भूपेंद्र सिंह।